जम्मू कितने अटेम्प्ट किए? 65 जी। दबाद के आपका जी डी का पहला अटैम्प्ट था, इससे पहले भी एग्जाम दिया था? नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट। आपने? नहीं, पहला अटैम्प्ट। बात करें तो कितने अटैम्प्ट किए आपने? 60 जी। अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो जी इसमें? परसेंटेज के अधिकतर क्वेश्चंस परसेंटेज से पूछे गए थे कि एक मतलब इतने परसेंट की पहले वृद्धि होती है या इतने परसेंट का लाभ होता है, फिर कितने परसेंट की हानि हो तो इतना हो जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछे। परसेंटेज कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? परसेंटेज के 4-5 क्वेश्चन हमें लग रहे इससे रिलेटेड पूछे। अच्छा, और रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन थे? चतुर्थानुपाती पूछा गया था, और टाइम एंड वर्क थे, टाइम एंड डिस्टेंस से दो थे, नाव धारा रेल ट्रेन से वाले दो क्वेश्चन पूछे गए थे। मिक्सर से कोई क्वेश्चन था? मिक्सर से नहीं था, सिंपली एक था, एक ही क्वेश्चन था। तो मैथ का लेवल कैसा लगा? मतलब इजी था, और रीजनिंग में थोड़ा सा नंबर सीरीज वगैरह अच्छी पूछी गई थी। और अभी मैथ की बात करें तो मैथ में, अभी रीजनिंग में बात करें, मैथ में और मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन था? हाँ, दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन था, शाम चतुर्भुज किससे था? शंकु से था, और एक वृत्त से था। वृत्त से था, अच्छा ठीक है। अब बात करें रीजनिंग का, रीजनिंग का लेवल कैसा लगा आप लोगों को? इजी नहीं था, मॉडरेट था। किस टाइप के क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है किस टॉपिक सीरीज के? थोड़े से मतलब सीरीज के क्वेश्चन थे, बाकी तो सही थे। नंबर सीरीज क्वेश्चन का टफ आ रहा है? एक दो मॉडरेट। कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन पूछे? कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन थे। और डाइस से कोई क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था, और इसके अलावा उससे सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन थे। अच्छा, और बात करें कैलेंडर से कोई क्वेश्चन? नहीं, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और नॉन वर्ड रीजनिंग की बात करें, आकृति मिरर इमेज पेपर कटिंग वगैरह कोई क्वेश्चन? एक था जी, मिरर इमेज दो थे, दो क्वेश्चन थे और अच्छे थे। आ जाओ। अच्छा, और बात करें रीजनिंग, और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? सर, कोडिंग डिकोडिंग ही सबसे ज्यादा आते हैं। कितने कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन जी। और नंबर सीरीज से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, नंबर सीरीज ठीक है। और कोई कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा के क्वेश्चन? एक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष था, एक ही था। अच्छा, लेवल अच्छा था। बात करें हिंदी का लेवल कैसा था? बहुत इजी था, बहुत इजी हिंदी था। अच्छा, हिंदी में बात करें, हिंदी में जो विलोम शब्द पर्यायवाची वगैरह वो कितने पर्यायवाची आया था? एक दो आया थे, पूछा गया था उसका किस तरह वाक्य में यूज किया जा रहा है, क्रिया से आया था, क्रिया विशेषण, क्रिया के भेद पूछे गए, क्रिया के दो भेद। और कोई क्रिया विशेषण या सर्वनाम से रिलेटेड पूछा गया था कि संज्ञा की क्या शुद्धि है, मतलब शुद्ध करके बताएं इस तरह से। और शुद्ध शुद्ध वाले वाक्य कितने ये कितने? 102। अच्छा, और पैराग्राफ वगैरह था कोई? नॉर्मल पैराग्राफ था, वो बहुत इजी पैराग्राफ था, मनोरंजन, हाथी का पर्यायवाची था ये सब। और हिंदी के मतलब आराम से हो जा रहे हैं, हिंदी में ज्यादा कोई इजी नहीं। जीके का वो कथा कलिज भारतनाट्यम से पूछा गया था। बात करें जीके की, ठीक है, अब जीके की बात करें, जीके में जो करंट अफेयर पूछी जा रही है वो कहाँ से पूछी जा रही है? 2012 का था क्वेश्चन, करंट अफेयर नीरज चोपड़ा से था, नीरज चोपड़ा से भी क्वेश्चन था कथा कलिज वहाँ वाला। अच्छा, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा ने कितने फेंका था, कितना मीटर? और कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन? और कोई स्पोर्ट्स से क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नृत्य फेस्टिवल से कोई क्वेश्चन क्या जी? नृत्य फेस्टिवल से था कि हरियाणा का नृत्य नहीं है, हरियाणा का नृत्य नहीं है। और कोई फेस्टिवल तो यार जो पिछला आ रहा है 2000 पेपर से आ रहा है, महाराष्ट्र का रौब था, वो वाला ऑप्शन था, तो वो नहीं था ऐसे करके। हाँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जितना आप पूछना चाहो हम आपको सब क्वेश्चन बता सकते हैं। चलिए बात करें जैसे स्पोर्ट्स या पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन था? पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी ये वाला पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना से एक ही क्वेश्चन था? अच्छा ठीक है, और कोई बात? जीके जीएस में क्वेश्चन? जीके जीएस में स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, ठीक है। और कोई पंचवर्षीय योजना हो गया, चलिए बात करते हैं हम लोग उसके स्टैटिक जीके। हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? मॉडर्न हिस्ट्री में पूछा गया था कोई महात्मा गांधी से रिलेटेड? गांधी ने 1919 में आंदोलन किस 1919 में आंदोलन किस लिए किया था, ये भी पूछा गया। 1919 वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल सीएम से कोई क्वेश्चन था? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन? और कोई आर्टिकल से क्वेश्चन था? संविधान संशोधन वगैरह राज्यपाल नहीं करता, ठीक है। नहीं, अच्छा, कोई पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, और कोई हिस्ट्री से महात्मा गांधी, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म कोई क्वेश्चन? अशोक से था, अशोक से था, अशोक से क्वेश्चन था। ग्रहण करने के कितने वक्त बाद की, मतलब कितने साल बाद? कलिंग पर आक्रमण कब किया था ये था? अच्छा ठीक है, और ज्योग्राफी से क्वेश्चन? नदी, पहाड़, पठार, झील, चट्टानों से क्वेश्चन? नहीं था, क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर थोड़ा चैनल का नाम है? अच्छा हाँ, इकोनॉमिक्स में क्या क्वेश्चन था? राष्ट्रीय आय से, दीपक चोपड़ा वाला था ये।
नीरज से बात किया, आपने कितने अटेम्प्ट किए? हमने अटेम्प्ट किया 72। आपने इससे पहले जीडी का एग्जाम दिया है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। पिछली बार गए थे 74 नंबर थे। 74 थे हाँ, मेडिकल के बाद बाहर हो गए थे। अच्छा, चलिए अच्छा बात करें हम लोग, ऑल ओवर लेवल आपको कैसा लगा? ऑल ओवर एग्जाम से हम संतुष्ट हैं, बट ना टाइमिंग की दिक्कत है, बट जो लड़के अच्छे से प्रैक्टिस करके मौका अच्छे से देके आ रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी है। वो पूरा क्वेश्चन देखें आराम से, आगे वाले अभ्यर्थियों के लिए मतलब जिनके लिए जो देखना चाहते हैं उनके लिए यही है कि ज़्यादा उनको मतलब दिमाग पे नहीं लेना है, आगे अच्छे से आके देखो। हिंदी और GKGS ये दोनों 12-14 मिनट में आराम से हो जा रहा है। अब 20-25 मिनट में आप रीजनिंग को ख़त्म करो, उसके बाद फिर आप देखो मैथ्स। मेरा तो यही है, मैथ देखोगे लास्ट में सबसे अच्छा रहेगा, और कम से कम अटेम्प्ट करो, लेकिन जितने करो उतने अच्छे होने चाहिए, मेरिट इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जिस हिसाब से। ठीक है, अच्छा बात करें हम लोग कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के बारे में आप क्या करना चाहेंगे, क्या जाएगी कट ऑफ? कट ऑफ, अच्छा चलो ठीक है, अपना ये बता रहा है यूपी का कट ऑफ जनरल का जाएगा लगभग 115। फाइनल कट ऑफ का बोल रहे हैं, 115 वाला वो ये सोचे कि मतलब हाँ कि हम हकदार हैं, और 120 वाला वो सिक्योर है, और 100 नंबर जनरल वाला, और 95 ये सब पहली मेरिट ये सब हो सकता है, जाएगी, एक्सपेक्टेड है कट ऑफ, पहली शुरुआती कट ऑफ। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा एनालिसिस किया। अच्छा बात करें और कोई इंग्लिश का कोई, बहुत सॉरी आपने हिंदी अटेम्प्ट किया है, अच्छा ठीक है, कोई रीजनिंग का लेवल कैसा रहा, रीजनिंग किस टाइप की आ रही? नॉर्मल लेवल, जो पिछले बार जैसा पूछा गया था सेम वही लेवल है। मैथ का भी वही लेवल है, मैथ में जैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, बोले ए इतने काम को ए बी दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, तो एक ही क्षमता दुगनी है बी से, तो बी अकेला कितने में करेगा, नॉर्मल था 72 दिन में करेगा, ऐसा करके कितने डायमंड वर्क से कितने क्वेश्चन पूछे गए? डायमंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, रेल और नाव धारा वगैरह, नाव से 2 वो रेलगाड़ी के 2 क्वेश्चन थे, बोले इतने इतने स्पीड चलती है, दो एक था सामान दूरी में चलती है, एक था विपरीत दूरी में चलती है, और 2 क्वेश्चन थे ब्याज से, एक था साधारण ब्याज का, एक था चक्रवृद्धि ब्याज का। CISI कोई सुनने मारा टफ तो नहीं है? बिल्कुल टफ नहीं था, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन था, 20% ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा 1,00,000 रुपये का, सीधा सीधा था, उसमें कुछ था ही नहीं, ऐसा इजी थे बिल्कुल एकदम। मेंसुरेशन से कहाँ से क्वेश्चन? मेंसुरेशन एक शंकु का क्वेश्चन था, शंकु का क्वेश्चन था, उसका पूछा गया था, उसके शंकु का बकपृष्ठ उसका था, रेशियो दिया गया था 5:7 का रेशियो था त्रिज्या और हाइट का, बस ऐसे करके। चलिए भैया, भैया ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया, थैंक यू। कहाँ से कितने बताया आपने, कितने अटेम्प्ट किए? 74। अच्छा एक्यूरेसी क्या रही होगी आपकी? एक्यूरेसी आई थिंक 98। अच्छा बात करें अंदर जो बच्चे प्रेजेंट हैं, 2 क्वेश्चन में हमने तुक्का मारे ऐसे करके। अच्छा चलिए भाई, आई होप आपने अच्छा एनालिसिस करा, अच्छा क्वेश्चन बता भी रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन बताती है, आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छा बात करें जो अंदर बच्चे एब्सेंट है प्रेजेंट, मतलब कितने परसेंट मतलब क्लास में बच्चे उपस्थित हैं? अब इस अपने वाले हॉल को देख के तो यही बता सकते हैं हम कि मतलब हाँ 70% लगभग बच्चे उपस्थित हैं। आपकी क्लास में कितने मतलब अनुपस्थित थे? अब इतना ज़्यादा हमने गौर से देखा नहीं क्योंकि हम लास्ट 70% बता रहे हैं, हाँ 65-70% अबव थे, उपलब्ध थे वहाँ। चलिए थैंक यू।